जनजातीय सलाहकार परामर्शदात्र परिषद TAC की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई। प्रमुख रूप से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। कहा गया कि इस मामले में विधि परामर्श लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक पंचायतों में पेसा कानून के तहत ही चुनाव हो रहे हैं। पेसा कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया है। सिविल ट्राइब के लिए भाषा से लेकर सांस्कृतिक से लेकर विकास की बात वही सब चर्चा हुआ। सिविल इंडिया के लिए चर्चा हुआ, बाकी सब ऑफिस से सिविल इंडिया के बारे में चर्चा हुआ है ना। और बहुत दिन के बाद इतना लंबा भी चर्चा इसीलिए थोड़ा अपने इंतजार। तो क्या चर्चा हुआ, मतलब आप लोग क्या विकास के लिए चर्चा हुआ? नहीं, जो चुनाव होने वाला है वैसे ही होगा जो आया है रोस्टर दादा, कि उसमें कुछ चेंजेस है आप लोग उसमें अभी ऐसा कुछ विचार नहीं हुआ। तो आप लोगों ने रोकने का सुझाव दिया समय से कि ये कंटिन्यू रहेगा जैसा डेट है वैसा? देखिए वो कह रहे और समय चाहिए, अभी ऐसा कुछ बात नहीं है। तो दादा कल से चुनाव होगा? कल से चुनाव नहीं होगा, अभी उस बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं है। अधिसूचना रोकने की बात कही आप लोगों ने? कोई नहीं दादा, शेड्यूल एरिया म्युनिसिपैलिटी एक्ट का 2001 पर जो चर्चा हुई उसके क्या हुई, बात हुई कि नहीं? चर्चा हुई लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव के बारे में ऐसे चर्चा नहीं होगा, राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा या कुछ बदलाव के बाद उसके अभी वो सब चर्चा नहीं है दादा। शेड्यूल्ड एरिया में क्या एकल पद को क्या रिजर्व किया जाएगा? मेयर मेयर क्या है उसका लिए अभी तक चर्चा नहीं। उस पर महाधिवक्ता से राय ली जाएगी, सारा चीज लिया जा रहा है, अभी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे पेशा एक्ट चल रहा है और हम उसमें एकाएक का अचानक देखिए, ये किसी के विरोध और ये सपोर्ट करने की बात नहीं है, ये एक्ट की बात है। ये हमारा जो अभी तक हम लोगों को तो लग रहा था, सारे लोगों को लग रहा था कि भाई यहाँ एकल पद है, लेकिन इस प्रकार से अचानक से आ जाना और इसमें लोगों को भ्रमित करना, ये भी बड़ा, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग अपना एक स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन कानून के बाहर हमने सिर्फ इतना कहा कि अभी तक पेशा के तहत ये चल रहा है, पेशा एक्ट में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है और अभी तक क्योंकि जो चला आ रहा है मुझे लगता है कि वही चल रहा है। एक अंतिम चर्चा हुई, ये देखिए चर्चा चुनाव आयोग और सरकार करती है, उसको TAC नहीं करती, TAC एक अपनी सुझाव, CM का कोई ओपिनियन नहीं, CM कैबिनेट में सीखने में जाएंगे। अभी हमारा जो है कि जो TAC का है, TAC पे की केवल बात हुई, हम लोगों ने निश्चित तौर से बात को रखा है कि अभी तक जो है एकल पद हमारा सुरक्षित रहा है, ये किस प्रकार से अचानक से अगर मान लीजिए कि बिना रोस्टर के तहत में अगर कराया गया तो उसमें आपको एक में संशोधन तो करना पड़ेगा ना, कि बिना संशोधन में आप नहीं जा सकते। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मुझे भी पता चल रहा था कि आज निर्णय लेना था, लेकिन अभी तक आपने आपके किसी चैनल में मैं देखा, आपके मोबाइल में वगैरह में आपका किसी प्रकार का संदेश नहीं आया, मैं भी आशा से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।